कितने लोग इस हफ्ते की प्रेयर में आए हैं? आप में से कितने लोग आए, हाथ खड़ा करो। जो लोग जो पूरा हफ्ता यहाँ पे पिछले हफ्ते जो प्रेयर चली है, एक हफ्ता जो प्रोफेटिक परमिशन ने दिया है, कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं? मैंने कितने लोग प्रेयर में आए हैं? सब नहीं आए? अब देख लो, जो लोग नहीं आए आपको पता, परमेश्वर के लिए इस दुनिया के लिए कोई भी काम बड़ा, जैसे वो लड़का है, वो जो जन्म से उसके अंग पैर क्या है, काम नहीं करते, क्या नहीं करते? आपको पता, जब यीशु मसीह के पास एक सूखे हाथ वाला आया, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के करते हैं बात आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि बैठकर आप ज्यादा समझ पाओगे। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब यीशु मसीह के पास सूखे हाथ वाला आया, तो जिस दिन उस आराधनालय में यीशु के पास वो आया, उस दिन वो शब्बत का दिन था। और उस दिन यहूदियों की रीति थी कि अगर कोई काम करे, सुनो ध्यान से सुनो, यहूदियों की रीति थी कि अगर शब्बत के दिन कोई भी कोई काम करे तो उसे शहर बना से बाहर निकाल देंगे, जहां पत्थरों से मार देंगे, ऐसा होता था। पर सूखे हाथ वाले के अंदर बड़ी तेज चाहत थी। आप में से कितनों के अंदर तेज चाहत है कि प्रभु सब कुछ कर सकता है? सुनो, वो सूखे हाथ वाले के अंदर बड़ी तेज चाहत थी, क्योंकि वो यीशु के बारे जानता था। बोलो क्या है? वो यीशु के बारे जानता था कि यीशु मसीह चमत्कारी खुदा है, वो आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि उसने बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी। बोलो क्या है? उसने बड़े बड़े कामों की चर्चा सूखे हाथ वाले ने सुनी यीशु मसीह के बारे। इसलिए बाइबल कहती है कि वो शब्बत के दिन भी जब यीशु मसीह आराधनालय में आया, तो यीशु ने सब यहूदी लोगों के उसे भीच ऐसे कहा, खड़ा हो जा। क्या हो जा? खड़ा हो जा, खड़ा। तो वो शांत से खड़ा हो गया, उसने कोई मन के अंदर डर नहीं रखा कि अगर मैं आज के दिन सब्बत के दिन अगर यीशु मसीह से चंगियाई लूंगा तो ये मुझे शहरपनाह से निकाल देंगे, जे मुझे पत्थरों से मार देंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं टुंडा रहूं, जिंदा रहूं। मरने से अच्छा है कि टुंडा रहकर क्या करूं। पर उस शराब से, जैसे मान लो ये लड़का है, देखो थोड़ा चल के आओ बच्चे आगे थोड़ा सा, हाँ देखो इससे चला भी सही नहीं जाता, देखो इसका बाजू भी ऐसे रहता है ना, हाँ चल चल थोड़ा और आगे चल, जिस दिन, हाँ ठीक है, बहुत है बहुत है। जिस दिन ये भी उसे समझ गया अच्छी तरह से कि वो मुझे कर सकता है शराब से मुक्त, इस पाप से मुक्त, इस मेरी शराब से क्या कर सकता वो मुझे, क्योंकि यीशु मसीह का जो काम करने का तरीका उस परमेश्वर का, वो बड़ा अलग है, हमें समझना पड़ेगा। कितनों को समझ आ रहा है? तो वो सूखे हाथ वाला जो मनुष्य था, देखो इसके तो सारे हाथ पांव ठीक है, बस क्या है कि उनमें कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई वो तेरे किसी अंग को पोलिया तो नहीं ना है? नहीं, पोलिया नहीं है, देख लो एक बंधन है। अब ये बंधन से, उस शराब से जो यीशु मसीह ने क्रॉस पर अपना जीवन देकर तोड़ दिया, उस शराबों को, कई तो ऐसे प्रार्थना भी करते ना वंशों के शराबों को तोड़ने की, पर एक्चुअल में ये शराब टूट चुका है। पर अब ये कैसे पूरा होगा काम, वो सूखे हाथ वाले के
जैसे जैसे उसके अंदर विश्वास था। बोलो क्या था? देखो यहां पे तो प्रार्थना में आना है, एक हफ्ते की प्रेयर है, उसमें लाजमी था कि 3 दिन बोले थे, अगर नहीं है तो 2 दिन जरूर आओ। क्या हो? 2 दिन जरूर हो, लाजमी थे कि 3 दिन। तो सूखे हाथ वाला तो सब्बत के दिन आया। क्या आया? बोलो, सब्बत के दिन, जिस दिन यहूदियों की रीति से शहरपनाह से निकाल देंगे अगर ये कुछ करेगा, या पत्थरों से मार देंगे। समझ आ रही है? तो उसने इस चीज की परवाह नहीं की, उसे पता था यीशु कर सकता है। अगर इसे भी पता हो कि परमेश्वर ने मुझे मेरे चंगे होने के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरी सब मुसीबतों के लिए, दुखों के लिए वचन दिया है, तो वो कर सकता है, मेरे सारे काम कर सकता है। तुझे चाहत से उस वचन को पूरा करता। इसको ऐसा तो नहीं है कि शहरपनाह से निकाल देंगे, पत्थरों से मार देंगे। आज तो ऐसी कोई रीति नहीं है, ऐसा कोई ऐसा कानून नहीं अभी परमेश्वर का, क्योंकि उसने मसीह में आजाद कर दिया। क्या कर दिया? बोलो, आजाद कर दिया। पर उस सूखे हाथ वाले के अंदर तेज चाहत थी। जब यीशु मसीह ने उसे कहा, सब लोगों के बीच बैठा था, उसने कहा खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा। बोलो क्या? मेरा अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा, क्योंकि उसके अंदर चंगा हो जाने का तेज चाहती, उसके अंदर कोई डर नहीं था। आज तो ऐसा कोई कानून भी नहीं है, पर उसके अंदर चाहत थी। जब यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, तो वो तो सूखा था, इतना सा आधा था, पर उसने शांत से अपने हाथ को यीशु की ओर कहा। यीशु मसीह के सामने सामने उसके सूखे हाथ से हाथ निकलना शुरू हुआ, और जो सूखा हुआ आधा हाथ था, बोलो क्या था, इतना सा था, वो सामने सामने यीशु मसीह के सामने पूरा हो गया। आमेन, हालेलुया। तुम क्या समझते हो? वो चमत्कारी खुदा है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जो अपने वचन में कहता, मैंने अपनी बड़ी सामर्थ्य से इस काश और पृथ्वी को बनाया, और हे मनुष्य तेरा कोई भी काम मेरे लिए बड़ा है कि छोटा है? ये काम इसका बड़ा है उस खुदा के लिए कि छोटा है? मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर वचन के हिसाब से काम करता है, वचन देकर काम करता है। क्यों उस सूखे हाथ वाले को यीशु मसीह ने सब्बत के दिन ही क्यों चंगा किया? हाँ, क्योंकि वो देखता था इनके अंदर डर है कि जी मुझसे कुछ ले सकते। इसलिए अगर आपके अंदर भी वो तेज चाहत है, तो वचन को पूरा करके आप सब कुछ ले लोगे। इसलिए लिखा, बुद्धिमान है मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और पूरा करता। क्या कहा उसने फिर उन्हें? बुद्धिमान है मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और पूरा करता। अब परमेश्वर से चंगा करने की क्या रखता है? सामर्थ, ताकत, वो कर सकता है, पर इसे वचन को पूरा करना पड़ेगा। हम इसे जितने यहां पे बैठे, आप सबको वचन को पूरा करना पड़ेगा, और वचन को पूरा करने के लिए बहुत सी मुश्किलें आती हैं। कईयों को हो सकता कोई पैसों की मुश्किल आ जाएगी, घर की मुश्किल आएगी, आने जाने की छुट्टी नहीं हो सकती, कोई ऐसा काम है, बच्चे छोटे, कई कई चीजें आ सकती हैं, हाँ, कई कुछ हो सकता है। पर जो खुदा के आगे रखेंगे उनके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन।